समुद्र में तैरती हुई इस मछली या उगते हुए पेड़ को देखिए, बैक्टीरिया या बम्बल बी यानी भंवरे के बारे में क्या कहेंगे? हमारे प्लेनेट अर्थ पे जीवन की विविधता वास्तव में चौंकाने वाली है। ऐसा माना जाता है कि अर्थ पे 5 से 10 मिलियन के बीच अलग अलग तरह की लिविंग स्पीशीज पाई जाती हैं। बैक्टीरिया को काउंट करना बहुत कठिन है, इसलिए इनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन सब में कॉमन क्या है? आखिर हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज लिविंग थिंग है? वेल, साइंटिस्ट्स का मानना है कि अमीबा जैसे सिंपल लिविंग थिंग से लगा के जिराफ जैसे बड़े जीव और इनके बीच में आने वाले सभी जीव साथ लाइफ प्रोसेस को फॉलो करते हैं। नंबर 1, मूवमेंट। सभी लिविंग थिंग्स मूव करते हैं। हमारे प्लेनेट अर्थ पे कुछ जीव बहुत तेज चलते हैं। चीता फास्टेस्ट मूविंग ऑर्गेनिज्म का एक एग्जांपल है। ये 60 माइल पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। प्लांट्स जैसे ऑर्गेनिज्म्स का मूवमेंट स्लो होता है। नंबर 2, रेस्पिरेशन यानी श्वसन। रेस्पिरेशन सेल्स में होने वाला प्रोसेस है। इस प्रोसेस में फूड में स्टोर्ड एनर्जी रिलीज होती है। जीवों ने ऐसा करने के कुछ अलग तरीके विकसित किए हैं। लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है जो रेस्पिरेशन से पूरी होती है। नंबर 3, सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता। लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए ये जरूरी है कि वो एनवायरनमेंट को सेंस करने में सक्षम हो। इससे उन्हें भोजन ढूंढने में आसानी होती है और रहने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ पाने के साथ साथ शिकारियों से बचने में भी मदद मिलती है। सभी लिविंग थिंग्स ने इसके लिए सिंपल सेंसर्स विकसित किए हैं। ह्यूमंस के पास 5 सेंसर्स टच, टेस्ट, साइट, साउंड और स्मेल हैं। इससे हमें हमारे एनवायरनमेंट को समझने में आसानी रहती है। नंबर 4, ग्रोथ। सभी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। बेसिक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बहुत कम होती है, जबकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में सेल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। एनिमल्स की ग्रोथ अडल्टहुड यानी वयस्कता में रुक जाती है। बहुत से प्लांट्स में ग्रोथ नहीं रुकती, जिससे वो बहुत बड़े हो जाते हैं। वास्तव में अपने प्लेनेट का सबसे बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट नहीं बल्कि फंगस है। ये हनी फंगस का एक टाइप है जो ओरेगोन में ग्रो करता है और ऐसा माना जाता है कि ये 2.4 माइल्स में फैला होता है। नंबर 5, रिप्रोडक्शन। कुछ ऑर्गेनिज्म खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया इस तरह के रिप्रोडक्शन का एक एग्जांपल है। इस तरह के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरे ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें कुछ स्पीशीज के मेल और फीमेल इन्वॉल्व रहते हैं। बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन हर 20 मिनट में होता है, जबकि अफ्रीकन एलिफेंट के रिप्रोडक्शन में 22 महीने लगते हैं। नंबर 6, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब सिर्फ इजेशन यानी मल त्याग से नहीं है। एक्सक्रीशन में ऑर्गेनिज्म में बनने वाले उस प्रत्येक मटेरियल को बाहर रिलीज किया जाता है, जिसका हमारी बॉडी में ज्यादा समय के लिए रुकना हार्मफुल हो सकता है। रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन का एक एग्जांपल है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं। इन वेस्ट प्रोडक्ट्स का हर ऑर्गेनिज्म से बाहर निकलना जरूरी होता है। नंबर 7, न्यूट्रिशन। सभी ऑर्गेनिज्म्स के सर्वाइवल के लिए किसी न किसी तरह की फूड की आवश्यकता होती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना फूड तैयार करते हैं। प्लांट्स के अलावा दूसरे ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीकों से अपने न्यूट्रिशन की जरूरत को पूरा करते हैं। इस वीडियो में आपने ऑर्गेनिज्म्स के 7 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में जाना। आप इन 7 प्रोसेसेस को मिसेस ग्रेन के नाम से आसानी से याद कर सकते हैं। मिसेस ग्रेन यानी मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन।